वेलकम बैक टू दिस चैनल, माय नेम इज शालिमा और आप देख रहे हैं लर्न विद शालिमा। यस व्यूअर्स, आज इस वीडियो में लेके आई हूँ एक ऐसी अमेजिंग चीज जिसका आप सभी को है बेसब्री से इंतजार, जिसके पीछे सभी लोग आपस में कभी कभी लड़ जाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये मालूम नहीं होता है कि दोनों जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगहों पर सही हैं। यस व्यूअर्स, तो आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्पेलिंग्स की, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा होता है जहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने इंडिया में, बट वहीं पे अगर कहीं पे भी हम लोग इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग का वर्ड लिख देते हैं तो बहुत से लोग उसको गलत समझते हैं। तो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और आपको लगता है वो स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। यस व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ब्रिटिश वर्सेज अमेरिकन इंग्लिश स्पेलिंग्स। यहाँ पर देखना ये है वर्ड्स एंडिंग इन आर ई, जहाँ पर भी जो ब्रिटिश वर्ड्स हैं वो आर ई से एंड होते हैं। कोई कोई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कोई कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आर ई पे एंड होते हैं, बट वहीं पे ही हम लोग बात करें अगर यूएस की अमेरिकन इंग्लिश की तो वहाँ पे हम लोग ई आर से उसको एंड करते हैं। सो देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। सो फर्स्ट वन इज, सो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने लिख रखी है, सो व्यूअर्स हियर वी हैव सम words which are end in re with British language, and if you talk about US तो वहाँ पर हम लोग end करते हैं er से। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। fiber की अगर बात की जाए, fiber, fiber, और यहाँ पर अगर लिखा हुआ है, मैंने US की अगर कोई dictionary उठा के देख रहा है या book उठा के देख रहा है तो वहाँ पर लिखा होगा fiber, fiber। तो दोनों ही वर्ड्स क्या हैं, सही हैं, एकदम करेक्ट हैं अपनी अपनी जगह पे, जस्ट ओनली वी आर हैविंग द चेंज इन द स्पेलिंग विद ब्रिटिश एंड यूएस लैंग्वेज। उसके बाद देखते हैं सेंटर, एस ई एन टी आर ई सेंटर, और वहीं पे अगर बात करें यूएस की तो आ जाएगा एस ई एन टी ई आर सेंटर। देन लीटर, एल आई टी आर ई लीटर, एंड यहाँ पे है एल आई टी ई आर लीटर। थिएटर, यहाँ पे आर ई लास्ट में लिखा हुआ है और यहाँ पे ई आर, यहाँ पे ई आर से स्टार्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं स्पेलिंग डिफरेंसेस वर्सेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स। देखते हैं और कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ जहाँ पे हम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कंटिन्यू वॉच व्यूअर्स, देर आर सेवरल एरियाज वेयर ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स स्पेलिंग्स आर डिफरेंट। सो हेयर आई हैव रिटन वर्ड्स एंडिंग इन ओ यू आर, इट मीन्स जहाँ पे ब्रिटिश की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ब्रिटिश में हम लोगों के जो वर्ड्स एंड होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ओ यू आर से एंड होते हैं, बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू एस, वहाँ पे हम लोगों के जो वर्ड्स हैं वो ओवर होते हैं ओ आर से। फॉर एग्जाम्पल्स आई हैव रिटन मेनी एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू कैन सी इट एंड यू कैन टेक इन स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, सो यू विल गेट। यहाँ पे है फर्स्ट वन इज कलर, इसके पीछे भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बहस हो जाती है एक दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल कलर, सी ओ L O U R color, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है C O L O R color, both are correct in their ways, अपनी अपनी जगहों पे दोनों सही हैं but दोनों की spellings different है because of British and American language। उसके बाद देखते हैं flavor, the same thing O U R it's here, humor O U R is here, labor O U R is here, neighbor ओ यू आर इज हेयर, तो सबके एंड में हम लोगों ने ओ यू आर का यूज़ किया है। बट इफ़ यू आर गोना टॉक अबाउट यू एस लैंग्वेज तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओनली ओ आर का यूज़ करते हैं लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि कलर ओ आर लगा हुआ है, फ्लेवर में ओ आर लास्ट में लगा हुआ है ओ यू आर की जगह पे। उसके बाद ह्यूमर लिखा हुआ है, ह्यूमर इज़ ऑल्सो
एंड विद ओ आर, लेबर, लेबर में भी ओ आर से एंडिंग है हमारे पास, एंड नेबर में भी ओ आर से ही एंडिंग है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश लैंग्वेज एंड यूएस लैंग्वेज, बट इन सेवरल वर्ड्स ओनली. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर ऑल द वर्ड्स, बट सम एरियाज वेयर American and British language spellings are different. So let's see. Yes, viewers, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जहाँ पे भी noun की ending होती है, कभी कभी हम लोग British language में का जब हम लोग use कर रहे होते हैं तो उसकी ending होती है ence पर, but वहीं पे अगर बात की जाए US की, American English की, तो वहाँ पे हम लोग end करते हैं ence का यूज़ ना करके s और e का यूज़ करते हैं वहाँ पे यहाँ पे यूज़ करते हैं ense का यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफेंस, तो यहाँ पे डिफेंस की अगर बात हो रही है, मैंने लिखा हुआ है डिफेंस, तो डिफेंस में ही मैंने ence का यूज़ किया है. बट वहीं पे ही अगर हम लोग US की लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ense का यूज़ किया हुआ है डिफेंस के लिए. फिर वैसे ही लाइसेंस यहाँ पे लिखा हुआ है लाइसेंस, तो अगर हम यहाँ पे लाइसेंस लिखना चाहें तो लिखेंगे लाइसेंस. अगर बात करें ऑफेंस की, ऑफेंस में भी यही सेम आएगा ऑफेंस. और अगर बात करें प्रीटेंस, प्रीटेंस में भी हम लोगों का लास्ट में ense ही आएगा प्रीटेंस. तो आप लोग बिल्कुल भी आप लोगों को सोचने की ये ज़रूरत नहीं है कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है, या किसी से भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू आर्ग्यू विद एनी पर्सन रिगार्डिंग दिस, बिकॉज देयर आर टू लैंग्वेजेस, ब्रिटिश एंड अमेरिकन, एंड बोथ स्पेलिंग्स आर डिफरेंट इन समवेयर, बट द वर्ड्स आर सेम बट द मीनिंग्स आर सेम. बट मैं आपको बताना चाहूँगी व्यूअर्स, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग ब्रिटिश की मीनिंग से और अमेरिकन की मीनिंग से डिफरेंट होती है थोड़ी सी. तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ उसी टॉपिक पे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.